हम जानेंगे क्लास 9 हिंदी चैप्टर 5, जिसका शीर्षक है हमीद खान, जिसके राइटर हैं एस के पोट्टे ककाट। बच्चों, राइटर इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, उसका पहले हम सारांश जान लेते हैं। यह कहानी इस बात की तरफ संकेत करती है कि हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी अशांति या दंगे नहीं चाहता है। वे सब अमन से रहना चाहते हैं और एक दूसरे का साथ चाहते हैं। दोनों के हृदयों में एकता की भावना समान रूप से विद्यमान है। लेखक हमीद खां के माध्यम से अपनी बात समाज के समक्ष रखते हैं। हमीद खां तक्षशिला का निवासी है। लेखक घूमने के उद्देश्य से तक्षशिला जाता है। वहाँ भूख से बेहाल लेखक को हमीद खां का ढाबा दिखाई देता है। भोजन और पानी की तलाश में लेखक ढाबे में आश्रय लेता है। हमीद खां उसका स्वागत पूरे तिल से करता है। उसको भली भांति पता है कि लेखक हिंदू है। लेखक को उसने अपने ढाबे में भोजन कराया। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि धर्म के नाम पर लोगों के अंदर कोई अलगाव नहीं है। कुछ स्वार्थी तत्वों के कारण यह अलगाव उठ खड़े होते हैं। यह कहानी दो अलग अलग धर्मों के व्यक्तित्व के बीच आत्मीय संबंध की दिल को छूने वाली कहानी है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि धर्म के नाम पर लड़ने के स्थान पर आपस से प्रेम से रहना चाहिए। बच्चों, हमीद खां कहानी अब हम शुरू करते हैं। तक्षशिला पाकिस्तान में है। जो मैं आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हमीद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हमीद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक यानी प्राचीन काल से संबंधित खंडहर मतलब अवशेष देखने गया था। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त यानी मस्ती भरी चाल में चलते नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई, जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक खुशबू से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभव से मैंने जान लिया था कि प्रदेश में मुस्कुराहट की ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वो अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे मतलब देखे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा, मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन यानी गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा है, वहाँ बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा, बेतरतीबी मतलब बिना किसी सलीके यानी तरीके के से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी, जिस पर एक दाढ़ियल यानी दाढ़ी वाला बुड्ढा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान यानी संसार को भुला रखा था। भाईजान,
आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान नहीं है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर किनारे मद्रास के आगे। हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके यानी बिना किसी संकोच के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वो हमारे राज्य के एक स्थान कोंडू गल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र यानी गर्व के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नजर में हम आतायों यानी अत्याचार करने वाले की औलादे यानी संतान है। हमें इस हालत में अपने आन यानी सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति यानी भाग्य है। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट के भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खान। वो जो चरपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान है। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पास तो यानी प्राचीन फारसी भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वो दुकान के पिछवाड़े यानी पीछे के हिस्से की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों यानी अत्याचारियों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस यानी रौब जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते यानी प्यार खरीद नहीं सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते यानी प्यार के संबंध से मेरे होटल में खाना खाने आए हैं, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े? अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वो अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। जो छोकरा यानी लड़का पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी यानी थाली में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव यानी रुचि से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। वो सकुचा रहा था। उसने वो रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करें। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया।
उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वो आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा हैं। उसकी वो मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियां की आग से हामिद और उसकी वो दुकान, जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा यानी भूख को तृप्त तृप्त संतुष्ट और संतोष किया था, बची रहे मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। हेलो बच्चों, अब हम कुछ शब्दों के सारांश जानेंगे। जैसे मैं आगजनी यानी उपद्रवियों या दंगाइयों द्वारा आग लगाना, पौराणिक प्राचीन काल की, हस्तरेखाएं यानी हथेलियों में बनी रेखाएं, सहज यानी स्वाभाविक, अलमस्त मतलब मस्त, सौंधी यानी सीखने के कारण आती अच्छी सुगंध, तंग माने संकर माने बहुत तंग गली, बदबू यानी दुर्गंध, अधेड़ यानी ढलती उम्र का, शालन गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा, बेतरतीब यानी बिना किसी तरीके के, दड़ियल यानी दाढ़ी वाला, जहान मतलब दुनिया, बेखटके यानी बिना संकोच के, फख्र यानी गर्व, आगताइयों मतलब अत्याचार करने वाले, नियति मतलब भाग्य, पस्तो यानी एक प्राचीन भाषा, क्षुधा यानी भूख, तृप्त मतलब संतुष्ट। बच्चों, हम इस कहानी के कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? उत्तर है, लेखक तक्षशिला का खंडहर देखने भ्रमण पर गया था। दोपहर के समय भूख लगने पर वो किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां उसे भोजन मिल सके। वहीं उसे हामिद खां मिला, जिसने लेखक को भोजन कराया। सेकंड प्रश्न है, काश मैं आपकी मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख सकता, हामिद ने ऐसा क्यों कहा? आंसर है, हामिद के मुल्क में हिंदू और मुस्लिम के बीच जरा भी सौहार्द नहीं था, लेकिन लेखक के मुल्क में हिंदू और मुस्लिम बड़े प्रेम से रहते थे। यह बात हामिद के लिए आश्चर्यजनक थी, इसलिए हामिद ने ऐसा कहा। थर्ड क्वेश्चन है, हामिद को लेखक किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? आंसर है, हामिद को ये लग रहा था कि लेखक गलत कह रहा था कि वो हिंदू था। हामिद जहाँ रहता था वहाँ के हिंदू मुसलमानों के साथ वैसी बातें नहीं करते थे जैसी कि लेखक कर रहा था। वहाँ के मुसलमानों को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा था, इसलिए हामिद को लेखक की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फोर्थ क्वेश्चन है, हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? आंसर है, हामिद खान ने लेखक को एक मेहमान के तौर पर लिया था, इसलिए वो खाने के पैसे लेने से इनकार कर रहा था। फाइव क्वेश्चन है, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है, मालाबार में भारत की पहली मस्जिद बनी थी, वहाँ हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के घर का भोजन भी करते हैं, सांप्रदायिक दंगे वहाँ ना के बराबर होते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार पौंधा? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? आंसर है, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में हामिद खां की सलामती का ख्याल आया। हामिद खां से वह तक्षशिला भ्रमण के समय मिला था, इससे पता चलता है कि लेखक को अपने दोस्तों और परिचितों के कुशल क्षेम की हमेशा चिंता रहती थी।